आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संडे को मिन्हा की बर्थडे है और आज के दिन हमने अपने घर में जो भी अवेलेबल हमारे पास चीज़ें हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू रेनोवेशन प्रोजेक्ट, तो जो भी अवेलेबल स्टाफ है उससे अपने घर को इस काबिल करना है कि लोग कोई भी यहाँ पे हम किसी को इन्वाइट कर सकें, वो बैठ सकें और पूरा आज क्लीनिंग होगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम आज मिन्हा की बर्थडे का डेकोर करेंगे बिकॉज कल का दिन खाने में लग जाना है, इतना टाइम नहीं होगा बिकॉज इट्स तारी एज वेल। सो ऑब्वियसली माशाल्लाह से रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, इट्स नाउ इट्स अ फोर बेडरूम्स हाउस। हमारे घर में जगह से पहले जो फर्नीचर और सारी चीज़ें थी इट्स फॉर टू बेडरूम, तो लेकिन बहरहाल वी हैव टू मैनेज इट और हमने माशाल्लाह से इसको पूरा भी सेट करना है, इतना करना है कि कोई आए यहाँ पे बैठे इन्जॉय करे और पूरा हम। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम देखेंगे कि मिन्हा का जो बर्थडे डेकोर है वो मैं कैसा करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टे विद मी टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव मी दिस होल एनर्जी एंड पावर टू यू नो मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। अच्छा जी, तो स्टार्ट किया हमने उस पर्दे से जो कई वीलॉग पे कोने में पड़ा था एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, और उसके बाद हमने बिछाए कारपेट्स ताकि आराम से बैठा जा सके एंड देन शुरू हुआ डेकोर का काम। सो जी, ये सारी मेरी अपनी चीज़ें हैं जो मैंने कई सालों की मेहनत से बनाई हैं और फाइनली हलीमा ने इनको प्रेस करना शुरू किया और मेरा काम ये था कि मैं उसके बाद ये डेकोर शुरू कर दूँ। Isn't it looking beautiful अभी से? और क्योंकि मैंने जो बच्चों के कपड़े सेलेक्ट किए हैं दैट आर वेरी फ्लोरल, तो मेरी थीम भी कुछ फ्लोरल ही होगी, पिंक्स, गोल्ड, ढेर सारे फ्लावर्स और उसके बाद खूबसूरत सा अरेंजमेंट। और जनाब ये क्या हुआ, हमारा जो सेंटर वाला रिंग था वो फंस गया और कई घंटों की मेहनत के बावजूद भी वो नहीं खुला एंड वी हैव टू यूज़ द अदर रिंग, और उसको भी हमने पहले फैब्रिक से सजाया और फैब्रिक से सजाने के बाद हमने लगाने हैं इस पर फूल, लेकिन अब ये मैं कल करूँगी। और आज अब मैंने ये करना है कि इस तरह से अपनी जो चीज़ें थी उनको सेट करना है। ये मेरे वो पुराने लैंप्स थे जो ख़राब हो गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ साथ सेट करके सजाया जाए, और इसको मैंने पेंट करना शुरू कर दिया बिकॉज इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी एंड दे आर लुकिंग अमेजिंग, मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा इसलिए मैंने अपने घर में एक और पुराने लैम्प्स को भी इसी तरह से रीडू करना शुरू कर दिया एंड देयर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। और उसके बाद सारे पुराने उठाए हुए वेजेस को भी दोबारा से सेट किया और इनको भी अब हम सजाएंगे, लेकिन फिर हमें जाना था बाहर अपने ऑफिस के एक फंक्शन पे जो कि हम गए और हमने वो अटेंड किया। अच्छा जी, तो रात का 1 बज रहा है, अगला दिन हो चुका है। आज हमने बहुत सारे काम किए घर के, पर्दे वर्दे सेट हुए लगाए, तो जो भी डेकोर की चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि ख़राब थी उनको अरेंज किया, सेट किया, लैम्प्स ठीक किए, फिर उसके बाद हमने 2 फंक्शन अटेंड करने थे, एक अप्लाई थी, उसके बाद फिर ऑफिस का फंक्शन अटेंड करना था। वो सारा कुछ करने के बाद नाउ आई एम बैक, रात का 1 बज चुका है और अब जो है ये जो इनकम्प्लीट मेरा डेकोर है इसको भी कम्प्लीट करना है, कल के दिन ऑफिस के खाने पकाने में गुजरेगा और सब में आना है, इफ्तार होगी, इफ्तार के बाद बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी एंड देन खाना वाना होगा, तो आए मेरे साथ कर ये करते हैं। अब रात के 1 बजे अकेली मैं, और मैं ही कर रही हूँ नींद में इन सारे फ्लावर्स को अरेंज, और देखें कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, मुझे तो दोबारा से इसको देख के वीडियो बना के भी बहुत ही मज़ा आ रहा था एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी। हिम्मत बहुत कम है मेरी, लेकिन मेरी जो एनर्जीज है ना वो बहुत हाई हैं और मैं चाहती हूँ कि बस ये फंक्शन जो है बहुत अच्छा गुजरे। खाने पीने की भी खूब तैयारी कर ली है, सो डेकोर को मैंने अभी जो है वो फाइनली कम्प्लीट करना है। बहुत हद तक डेकोर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे अभी इसमें कुछ कमी लग रही है और वो कमी ये है कि बलून्स नहीं है। सो मैंने सोचा कि कल अब बलून्स वालों को बुलाया जाए। सो बलून्स वाले यहाँ पर आ गए थे सुबह ही सुबह और इन्होंने बलून्स लगाने शुरू किए, और बलून्स लग के वाकई जो उसमें कमी थी ना वो अब मुझे पूरी होती नज़र आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मिन्हा शी इज़ एंजॉयिंग द बलून्स, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं अभी, हम तो रात में तैयार होंगे। एंड हियर गोज़ द फाइनल लुक, और ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं बाहर ना लगवाती, भाई बाहर लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आज पार्टी हो रही है। और यहाँ पे हमने की उसके बाद अफ्तारी और खाया ढेर सारा खाना, और उसके बाद हुई बकायदा केक कटिंग सेरेमनी।
आई एम श्योर आपको मेरा डेकोर, ये केक कटिंग सेरेमनी सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी बेस्ट विशेस भी मेरी दोनों प्यारी बेटियों के साथ होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, व्लॉग अच्छा लगा है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और कीप वॉचिंग अंबर्स लाइफस्टाइल एंड ब्रॉडकास्ट। बाय बाय।